चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फेज टू का रजिस्ट्रेशन करने के बाद सक्सेसफुली का कोई मैसेज मोबाइल में नहीं आता है तो कैसे चेक करें कि हमारा फेज टू का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि फेज टू का रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। NTA ने अपने 1 अक्टूबर 21 के नोटिस में ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप फेज टू का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको ये करना आवश्यक है। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट है कि ये कैसे पता लगे कि हमारा सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालकर साइन इन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास में आता ही है। जब आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार इसको ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये करेक्शन कम फिलिंग अप फेज टू एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आता है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें आप 10th की 11th की 12th की डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो उसका प्रोसीजर मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से आपने फिल करना है ये। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपके पास में डाउनलोड कंफर्मेशन पेज से नीचे ये लिखा हुआ आएगा, यू हैव मेड द चेंजेज इन योर एप्लीकेशन फॉर्म पर्टिकुलर सक्सेसफुली, नाउ डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज, ये लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब आपका जो फेज टू का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपका सक्सेसफुली नहीं होता है तो अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का करेक्शन कम फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपके पास में दोबारा से मिलेगा और उसके बाद में आप दोबारा से इसमें फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सक्सेसफुली हो जाता है आपका तो इस प्रकार का ये लिखा हुआ मिलेगा आपको और कोई लिंक नहीं मिलेगा आगे फॉर्म फिल करने का। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, फेज टू का सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो आप एक बार अगर आपने फिल कर दिया है और चेक करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल आपका कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेसफुली आपका फेज टू का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी जो कंफर्मेशन पेज है वो फेज वन का भी सेम है, फेज टू का भी सेम है। अगर आप डेट के लिए करना चाहें, क्योंकि इसमें नई डेट आती है कंफर्मेशन पेज में, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपने फेज वन में कन्फर्मेशन पेज प्रिंट लिया था वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये जानकारी थी, स्टूडेंट को काफ़ी डाउट हो रहा था। एक दूसरी जानकारी ये है कि NTA ने अपने वेबसाइट पर, नीट की वेबसाइट पर क्लियरली लिख दिया है कि आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी, जो कैंडिडेट 11th की मार्कशीट को लेकर काफ़ी परेशान हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन्होंने 11th पास किया है, जिनके लिए एप्लीकेबल है, वो स्कूल से अपना सर्टिफिकेट लेके इसमें डॉक्यूमेंट से मैं अपने उसमें 11th की डिटेल्स में मार्क्स वगैरह फिल कर दें, और जो NIOS और बाकी कैंडिडेट हैं जिनके लिए 11th लागू नहीं है, उसमें 11th की डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो इसमें पासिंग स्टेटस में आपका नोट एप्लीकेबल भी लिखा हुआ आता है, पास्ट आता है, नोट एप्लीकेबल आता है, तो नोट एप्लीकेबल पर क्लिक करके वो आगे सबमिट कर सकते हैं, फिर उनको 11th की डिटेल फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जानकारी थी एप्लीकेशन फेज टू के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।